बाबूजी राज, उस द्वार के पीछे क्या चलते हैं? शीघ्र ही पता चल जाएगा। हुजूर, हाजी खान की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हम उसे कौड़े मार रहे थे, इसलिए उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। मगर बज़ात इतना पिटने के बाद भी शहंशाह से अपनी बदजुबानी के लिए माफी नहीं मांग रहा अब तक। बेवकूफ, मरना नहीं चाहिए वो हाजी खान। पता नहीं कब शहंशाह तलब कर ले उसे। कुछ भी करो लेकिन उसका जिंदा रहना जरूरी है। चाहे तो अपनी जान दे दो लेकिन उसे जिंदा रखो। जी हुजूर। और सुन, हर वक्त इतना तरसाओ मत बेचारे को। पानी वानी पिलाओ उसे, इंसान है, मर जाएगा बेचारा। तो अब हाजी खान ही हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बता सकते हैं। और बहरम खान से बात करने के उपरांत वे सैनिक उस द्वार के पीछे चले गए। यानी संभव है कि बंदी ग्रह उस द्वार के पीछे हो। पर प्रश्न ये है कि हम उस द्वार के पीछे जाएंगे कैसे? याद कीजिए शकरबानी, कैसे वहां बिचौलिया में विवाह से बचकर भागने के लिए खड़ी दीवार चढ़ गए थे। बस अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ कर लेंगे आप। मुगलिया सल्तनत है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है ये। सारी दुनिया जानती है कि कोई नजर उठाकर इस महल की तरफ नहीं देख सकता। फिर किसने जुर्रत की हमारी हिफाजत में सेंग डालकर यहां घुस के हमारे ही खास सिपाह सालार को मारने की किसने जुर्रत की? जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाएंगे हमारा खून खौलता रहेगा, खून खौलता रहेगा हमारा। हुजूर, कहीं आप उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? नहीं प्रताप, यहाँ नहीं आ सकता। अभी अभी तो मारवाड़ और हमारी फौजों के साथ जंग करके मेवाड़ का इतना भारी नुकसान हुआ है। नहीं, वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हुजूर, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का, लेकिन देखिए इनाम आपकी जुबान पर खुद ब खुद आया है। हाँ, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं सकता। बस फिर तो ये हाजी खान के वफादारों की ये हरकत हो सकती है, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुजूर, मामला बिल्कुल साफ है। हाजी खान ने अब तक ना हार मानी और ना ही माफी मांगी है। उसका सर अब तक झुका नहीं है। ऐसे में इस किले और महल के गोशे गोशे से और कौन वाकिफ होगा? कौन इतना बड़ा खतरा उठाएगा? उसी के वफादार होंगे हुजूर। तुम्हारी बात में दम है। हम अभी जाकर हाजी खान से खुल के बात करते हैं। तब तक शहंशाह के आरामगाह की हिफाजत और बढ़ा दो, 50 सिपाही और लगा दो वहां। पर सुनो, शहंशाह को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो आदतन इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमारा आगरा जाना मुलतवी हो जाएगा। जितनी जल्दी हम लोग राजपुताने से निकलकर आगरा पहुंच जाएं, उतना अच्छा। जाओ। जी हुजूर।
हाजी खान, तुम्हें यूं पानी पिलाने में क्या मजा? ऐसे तो रोज करते हैं हम, ये देखो ऐसे आएगा मजा। अल्लाह ताला देख रहे ना मुरादों, तुम सबको दोजख की आग में जलाएंगे वो, याद रखना मेरे अल्फाज। ये राजपुताना प्रताप की जमीन ही, एक न एक दिन तो वो मुझे आजाद करवा ही देगा, लेकिन तुम सब के सब पे मौत मारे जाओगे। ऐसे नहीं मानेगा तू कब तक, अभी सबक सिखाता हूं तुझे। हमने कोई आवाज सुनी अभी? मैंने भी सुना है। अब तक देखो बाहर जाकर क्या है। आफ्ताब अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चलकर देखते हैं। ए परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने प्रताप को यहां भेज दिया। हाजी खान जी, आपने बहुत यातनाएं झेली हाजी खान जी, बस अब आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर प्रताप, मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। कैसे नहीं आते हाजी खान जी, अब हम आपको यहां से ले चलेंगे और वो भी शीघ्र। आज हाजी खान से उगलवा के रहेंगे कि ये सारी खुराफातें उसी के वफादारों की नाकाबिले मंजूर गुस्ताखियां हैं, और जैसे ही उसने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, देखना देखना कैसे उस बदबख्त की बोटी बोटी नोचते हैं आप। प्रताप आप भी चले जाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हाजी खान जी। कहां मर गए यहां के सारे सिपाही, कहां चले गए सब? हुजूर का इकबाल बुलंद है। कहां थे तुम लोग? और ये जंगी लिबास क्यों पहन रखा है तुम लोगों ने? वो सुना है हुजूर, कुछ घुसपैठिया घुस आया हमारे महल में, बस उन्हीं से मुकाबला करने के लिए ये सारी तैयारियां कर रखी है हम लोगों ने। हाँ ठीक है, ताला खोलो। जल्दी कर। नामाकूल, चाबी तक का नहीं पता तुझे? Ah!
दर्द तो कुछ भी नहीं है हाजी खान, असली दर्द तो हम तुझे अब देंगे। अगर तूने अपने वफादार कुत्तों को महल में मार काट करने से मना नहीं किया तो देखना कैसी हालत बनाते हैं तेरी। हम जानते हैं कि तेरे लोग हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन उन तक ये पैगाम पहुंचा हाजी खान कि वो अपनी बगावती घुसपैठ और मारकाट बंद करें, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। समझ में आई बात? मौत तो होगी और यकीनन होगी, यकीनन, लेकिन मेरी नहीं, ना ही मेरे आदमियों की। मौत होगी तो बहरम खान की होगी, बहरम खान की सिपाहियों की होगी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की होगी। बदतमीज, अभी बताते हैं तुझे कि किसकी मौत होगी, अभी बताते हैं। घोड़ा लाओ। सुस्तुल मजूद, चलिए हुजूर, आपको कुछ दिखाना है। क्या इतना जरूरी है कि कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकते तुम? हाँ हुजूर, जल्दी चलिए। ताला लगाओ इस कैद खाने को, इस बेगैरत से हम बात में निपटेंगे। चुके पानी, द्वार खोलिए। शीघ्रता से खोलिए। तुम दिखते तो हम जैसे हो, पर इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? हाजी खान जी, अब तुरंत हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बताइए। आज खेल ही समाप्त कर देते हैं उसका। चलिए चलिए। हुजूर, ऐसा लगता है जैसे कई लोग इस दीवार पे चढ़े हैं, पर आखिर वो लोग गए कहां? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नासिर। अभी तो हम कैदखाने में गए थे, वहां तो कोई नहीं था। कोई हुजूर का एक बार बुलंद हो।
होगी। नहीं 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 नहीं, बेवकूफ बनाया इन लोगों ने हमें। शर्दिया वहां हाजी खान के साथ कोई था? धूल झोंकी इन लोगों ने हमारी आंखों में, धोखेबाज कहीं के। इसी वक्त शहंशाह की आरामगाह में जाएंगे। शाही हिफाजती दस्ता हमारे साथ चले। आओ। राज, इतने सारे सैनिकों के सुरक्षा घेरे को भेद पाना कठिन होगा। लग तो हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है राज। कौन प्रताप? एक रास्ता है। वो क्या? अकबर की आरामगाह में एक खिड़की, उस खिड़की से अंदर घुसा जा सकता है। पर मसला यह है कि उस खिड़की तक पहुंचने के लिए हमें बिना किसी को दिखे दीवार पर चढ़ना होगा। हम कैसा भी संकट उठाने के लिए तैयार। राव मामला जी, जी इस दुर्ग में प्रवेश करना तो हमें असंभव प्रतीत होता है। राणा जी, कुंवर प्रताप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राव मामला जी, यहाँ पास ही एक गुफा है, हो सकता है कि कुंवर प्रताप वहां पर रुककर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए वहां चलकर देखते हैं। जी